कांग्रेस हरियाणा से जुड़ी हुई, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन के आसार और पक्के होते नजर आ रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने राहुल गांधी के सुझाव का स्वागत किया है। संजय सिंह ने कहा है कि बीजेपी को हराना ही प्राथमिकता है, प्रायोरिटी है। उन्होंने कहा है कि इस पर आधिकारिक फैसला अरविंद केजरीवाल लेंगे। कल कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राहुल गांधी ने हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ चुनाव लड़ने का सुझाव दिया था। यानी कि एक तरह से ये भी देख सकते हैं कि बीजेपी हमलावर भी होगी, अभी प्रतिक्रिया आती ही होगी, क्योंकि जब सेंट्रल में इलेक्शन हुआ तो गठजोड़ का हिस्सा मान रहे थे एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन पंजाब में उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी ने कि हम अकेले लड़ेंगे और कांग्रेस ने भी, लेकिन हरियाणा को लेकर बात बनती नजर आ रही है। देखिए, उनके इस कथन का मैं स्वागत करता हूं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को हराना हम सबकी प्राथमिकता है। उनकी नफरत की राजनीति, उनकी जन विरोधी और किसान विरोधी राजनीति, नौजवानों के खिलाफ उनकी राजनीति को, महंगाई के खिलाफ जो हम लोगों का मोर्चा है, निश्चित रूप से उनको हराना हमारी प्राथमिकता है। लेकिन इसके बारे में आधिकारिक रूप से जो हमारे प्रभारी हैं हरियाणा के, संदीप पाठक जी और सुशील गुप्ता जी, वो लोग इसके बारे में अंतिम फैसला बातचीत करके और इसकी सूचना केजरीवाल साहब को देंगे और उस हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। मैंने कहा कि आपने उनके एक वक्तव्य का जिक्र किया, लेकिन इसके बारे में कोई भी फैसला जो हमारे हरियाणा का संगठन का काम और चुनाव का काम जो लोग देख रहे हैं वो केजरीवाल जी की सहमति से लेंगे। सवाल ये है कि राष्ट्रीय स्तर पर संगठन के लिए आप सक्रिय हैं, इंडिया अलायंस में आप सक्रिय हैं, ऐसे ये हरियाणा के चुनाव से संबंधित बात है, ये लोकसभा चुनाव से संबंधित बात नहीं है या ऐसे किसी राज्य से संबंधित नहीं है जहाँ पे मैं प्रभारी हूँ। तो जो लोग संगठन का, पार्टी का एक काम करने का तरीका होता है, वहाँ प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता जी हैं, वहाँ के संगठन का काम संदीप पाठक जी देख रहे हैं, इसके अलावा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो पार्टी में का निर्णय लेने की एक प्रक्रिया है। ये सब तय करने के बाद हरियाणा और दिल्ली में दरवाजे खुले हैं क्या कांग्रेस के लिए, कोई बातचीत की जगह है क्या? अब आपने एक सूचना दी है, उसके बारे में और जानकारी लेके तब बताऊंगा। चलिए, संजय सिंह को अभी आप सुन रहे थे। राहुल गांधी ने जो कहा उस पर समर्थन दे रहे हैं, कह रहे हैं हमें खुशी है, और आगे का जो फैसला है वो अरविंद केजरीवाल और हरियाणा के जो प्रभारी हैं संदीप पाठक वो सूचना देंगे, लेकिन कुल मिलाकर सकारात्मक चीजें नजर आ रही है। अमित भारद्वाज हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अमित, बीजेपी को हराना ही प्राथमिकता, संजय सिंह तो खुलकर कह रहे हैं, राहुल गांधी भी इशारा दे चुके हैं, यानी कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठजोड़ में उतरने जा रही है। बिल्कुल आशुतोष, देखिए जहां तक कहते हैं ना इन प्रिंसिपल स्टांस क्या है, कांग्रेस की तरफ से कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे दिया गया है, राहुल गांधी ने खुल के कह दिया कि इंडिया अलायंस के जो भी पार्टनर हैं उनको साथ लाया जाए ताकि बीजेपी को हराने का जो मिशन है कांग्रेस का वो हरियाणा में सक्सेसफुल रहे, इस फॉर्मूले पे काम हो। अब दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का रुख क्या होना था इसको लेकर बड़े कयास से सवाल बने हुए थे, लेकिन संजय सिंह ने अपनी तरफ से स्पष्ट किया है कि इन प्रिंसिपल कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी इस बयान के साथ है। संजय सिंह राहुल गांधी के इस प्रपोजल को, इस सजेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं, और इसके साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी को हराना ही प्राथमिकता है। हालांकि उन्होंने जो एक पार्टी का संगठन का स्ट्रक्चर होता है, जो नियम होते हैं, उसका भी हवाला दिया है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के जो इंचार्ज हैं संदीप पाठक, जो ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी भी है आम आदमी पार्टी के, और इसके साथ साथ जो राज्य इकाई के अध्यक्ष हैं सुशील गुप्ता, इन दोनों की इनपुट्स और रिपोर्ट के बेसिस पे ही अरविंद केजरीवाल वो फैसला लेंगे। आज की तारीख में भले ही आम आदमी पार्टी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही है,
लेकिन क्योंकि लोकसभा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और उसका असर भी कहीं ना कहीं एक टीम वर्क आप कह सकते हैं कि कुरुक्षेत्र में बेहतर तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस अच्छे से चला था और बाकी सीटों पे भी जो है गठबंधन ढंग से दिखाई दिया था हरियाणा में, तो उस एक्सपीरियंस को लेते हुए भी बहुत सहज महसूस कर रही होगी आम आदमी पार्टी जहां तक हरियाणा का सवाल है इस सवाल को लेके। और अगर ठीक ठाक प्रपोजल आता है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आलाकमान भी जो आम आदमी पार्टी की है वो मान जाएगी, क्योंकि संगठन अभी उतना बड़ा नहीं है हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी का। अमित आप बने रहिए। इस बीच कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है इसको लेकर सुनवा देते हैं। जानकारी मुझे नहीं है, बट जो हमारे नेता कह रहे हैं बड़ी सोच से कह रहे हैं। देखिए मेरी जो सोच है हो सकता है दिल्ली तक या जहां मेरा कार्यभार है कर्नाटक वहां तक सीमित हो, एक देश की सोच है जो राहुल गांधी जी की सोच है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं इस बड़ी सोच का कि आज वो नेता विपक्ष होने के साथ साथ एक देश के लिए भी सोच रहे हैं। जो वो सोच रहे हैं किसी कारण से सोच रहे होंगे और जो उनकी सोच है वही हम सबकी सोच रहती है। देखो इन लोगों का दिक्कत यह है कि दिल्ली में झगड़ा हरियाणा में झप्पी, अभी झगड़े झप्पी की दोस्ती जो है वो कितने दिन चलेगी इसका अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं।